किस्मत तो आपकी चमकेगी, लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जिसे हम बोल सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। रियल मोटिवेशन वीडियो हम आपके लिए यहां पर लेकर के आते हैं, जिसके अंदर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो रियल जानकारियां हैं, जो रियल इन्फॉर्मेशन है, जो रियल स्टोरीज है, वो आपके साथ में यहाँ पर शेयर करते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे एलॉन मस्क की। कौन आज की डेट में नहीं जानता एलॉन मस्क को, क्योंकि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, और इन रातों रात ऐसे ही ये लोग इतने बड़े नहीं बन गए, उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत थी। कई बार इनसे पूछा गया कि आपकी तो किस्मत चमक गई, तो उन्होंने यही कहा कि दोस्त किस्मत जरूर चमकी, लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ता है, सब्र लगना पड़ता है, और दूसरी बात आपको मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाकर के आप उस लेवल पे पहुंच पाते हैं। आज की डेट में एलॉन मस्क की जो है, आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर, 269.7 बिलियन डॉलर आज के डेट में उसका नेटवर्थ है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी संपत्ति के मालिक है। इसके अलावा अभी तो बहुत सारे उनके ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि कमाल के हैं, और हैरान रह जाएंगे उनके जब आप प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। बहुत सारे आप यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे देखिए, बहुत सारी उन्होंने चीज़ें अभी जिस पर वो काम कर रहे हैं। और इनकी जब शुरुआत हुई थी एलन मस्क की, जो जीरो से शुरुआत थी, अगर आपको बोले, आप बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि यार मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं, लेकिन आपको बता दें ये जो मोटिवेशन होते हैं ना दोस्तों, उसी आदमी से आपको मिलेंगे या उस आदमी से आपको सुनने को मिलेंगे जो बहुत ही मेहनत करके आगे बढ़ा है। शुरुआत के दिनों में एलन मस्क ने जब जैसे कई सारी कंपनियों में काम किया, कई सारी कंपनियाँ शुरू करी, बहुत मेहनत लगी, और शुरुआत के जो उन्हें शुरुआती दौर था उसमें कई साल लग गए थे उन्हें लाखों रुपए कमाने में। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, शुरुआत के 10 15 20 सालों में जो एलन मस्क ने इनकम नहीं बनाई थी, वो आने वाले उन्होंने नेक्स्ट जो 6 मंथ थे उसके अंदर उन्होंने अरबों डॉलर की संपत्ति कमा ली। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था, टेक्नोलॉजी का कमाल। दोस्तों आज से 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के पीछे आप जाएंगे, या 20 साल पुरानी पहले की टेक्नोलॉजी के पीछे जाएंगे, या बल्कि बोलूंगा कि 5 या 7 साल पुरानी पहले जो टेक्नोलॉजी चलती है उसके पीछे जाएंगे, तो आप बहुत पीछे का सोच रहे हैं। अभी की जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा बड़ी है। यही रीजन है कि आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बिलेनियर्स पैदा हो रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो रही है दोस्तों, और ये इतनी सारी जो संपत्ति के मालिक बन गए हैं एलन मस्क, वो ऐसे ही नहीं बन गए। उनसे कई बार पूछा गया था इसमें क्या कारण है, क्या रीजन है, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि देखिए आपको मेहनत यहां पे बहुत ज्यादा है, और यहां पर आप हमेशा अप पे देखिए, हमेशा आपको टॉप पर देखना पड़ेगा। जब तक आप टॉप पर नहीं देखेंगे, आप ऊंचा नहीं सोचेंगे, आप बड़ा नहीं सोचेंगे, तो आप उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। दोस्तों मोटिवेशन से पेट नहीं भरता है, लेकिन मोटिवेशन जो है ना, आपकी इंटरनल ग्रोथ, आपके अंदर एक जो मोटिवेशन पैदा करता है ना, वो चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हैं दोस्तों, जो कि टॉप पर पहुंचने के बाद में उन्हें लगता था कि अब उनका जो है जीरो का टाइम आ गया, और वो हिम्मत हार गए। वो आखिरी एंड पे पहुंचने के बाद में उन्होंने अपने कई सारे काम को क्लोज कर दिया, क्योंकि उन्हें हिम्मत हार चुके थे और वो डाउन हो गए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि एलन मस्क है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और डे बाय डे उस लेवल तक वो सोच रहे हैं जहां तक एक इंसानी सोच पहुंच ही नहीं सकती है दोस्तों। तो यही सारी चीजें होती है, जो आपकी जो किस्मत होती है ना, वो कभी भी पलटी खा सकती है। सिर्फ आपको जो यहां पर जरूरत है सब्र रखने की। आपको कई साल लगते हैं, कई मेहनत रखते हैं एक बड़ी चीज बनाने में, एक बड़ी संपत्ति बनाने में। अगर आपने थोड़ा सा भी पेशेंस खो दिया ना दोस्तों, आप उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे जिस लेवल पर ये जो बड़े बड़े दिग्गज पहुंचते हैं। तो ये बड़े बड़े दिग्गज कोई अलग नहीं है, इनके कोई अलग से एक्स्ट्रा हाथ पैर या आंखें नहीं होती हैं, ये बिल्कुल वही होते हैं जो एक आम इंसान होते हैं। आम इंसान से वो खास इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग होता है दोस्त। आप अगर सही तरीके से रहेंगे, सही लोगों की संगति में रहेंगे, तो आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव बने रहेगी, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन आप टॉप पर पहुंचते हैं। एलन मस्क तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टॉप पर पहुंचे हैं, और उसमें पहुंचने का सिर्फ एक ही कारण था, दिन रात की मेहनत, दिन रात मेहनत करना, और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस को रखे रखना। अगर आपने पेशेंस रख लिया तो आप उस टॉप पर जाओगे दोस्तों जो कि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। तो आप ऐसी टाइप की चीजों को स्टडी कीजिए, देखिए जो मैं वीडियोज बनाता हूं एलन मस्क के बारे में, आप देखिए स्टडी कीजिए वो किन किन प्रोजेक्ट्स पे और काम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ऐसे कुछ लोग
लोग और हों दुनिया में, तो आप दुनिया किस लेवल पे जाने वाली है। ऐसे बहुत सारे लोग और आ रहे हैं दोस्तों दुनिया में, जो कि अलग सोचते हैं, कुछ डिफरेंट सोचते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ कुछ बड़ा होगा। आप जब भी सोचेंगे बड़ा तो आपके साथ वही होगा जो आप सोचते हैं, राइट। तो आप हमेशा किस्मत के भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि हो सकता है कि लॉटरी का टिकट कोई आदमी खरीदता है, लॉटरी का टिकट एक ही बार आपको पैसा देगा, लेकिन आप जो काम करते हैं, जिनको बनने में, जिन प्रोडक्ट को, जिन प्रोजेक्ट को बनने में कई साल लगते हैं, वो जो है प्रोडक्ट, वो जो प्रोजेक्ट है, वो आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि आने वाली कई जनरेशन आपकी जो है सेव कर जाते हैं। तो इस टाइप के हम मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।